जनपद बिजनौर के रसूलपुर के प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद वहां पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। दरअसल रसूलपुर के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ाई की जगह शौचालय साफ कर रहे हैं। एक ओर जहां सरकार के द्वारा ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों की गलत मानसिकता के कारण इसमें सुधार नहीं हो पा रहा है। अफजलगढ़ क्षेत्र रसूलपुर में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई करने गए छात्र छात्राएं पढ़ाई करने की जगह स्कूल टाइम में शौचालय साफ कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बच्चों से शौचालय की साफ सफाई कराई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत रसूलपुर प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं का शौचालय को साफ करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो तीन छात्राएं शौचालय साफ कर रही हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह नियमों को दरकिनार कर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उन्हें पढ़ाई की जगह साफ सफाई के कामों में लगाया जा रहा है। बच्चों ने कहा कि यहां पर उन्हें कर्मचारियों द्वारा शौचालय की साफ सफाई करने के लिए कहा गया और वो शौचालय साफ करने लगे, जबकि उनकी क्लास चल रही थी और पढ़ाई हो रही थी। इस सब से शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। जब इस संबंध में बीएसए बिजनौर से संपर्क साधने की कोशिश की गई, तो उन्होंने मामला संज्ञान में ना होने की बात कही है। इस पूरे मामले से ये जाहिर होता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे सिर्फ बैनर्स में ही दिखाई देते हैं, ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की शिक्षा के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है और इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट, रियल फ्लेवर न्यूज़।